नमस्कार साथियों, जैसा कि पाठ पुस्तकें हम बांट चुके हैं बच्चों को और 13 जुलाई से पाठ पुस्तक आधारित कार्यक्रम शुरू हो रहा है मेरा घर मेरा विद्यालय के अंतर्गत। इसमें शिक्षक पालक बच्चों को पढ़ाएंगे और गुणवत्ता बढ़ाएंगे। तो देखते हैं क्या है निर्देश, क्या क्या करना है। इस वीडियो को पूरा देखिए, धन्यवाद। 20 तक डीजी लैब और रेडियो स्कूल को जारी रखते हुए दिनांक 13 जुलाई से पाठ्य पुस्तक आधारित कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। कुछ दिनों में राज्य स्तर से सभी जिलों तक समेकित समय सारणी पुस्तिका भी भेजी जाएगी, जिसमें 13 जुलाई से 30 अगस्त 2020 तक हर सप्ताह की समय सारणी संलग्न होगी। शिक्षकों और बच्चों को डीजी लैब समूहों और अन्य सभी साधनों के माध्यम से भेजी जाएगी। इस समय सारणी में बच्चों के लिए दिनवार विषयवार सीखने के लक्ष्यों का उल्लेख होगा। सप्ताह की समय सारणी पूर्ववर्ती सप्ताह में सभी शिक्षकों और बच्चों के साथ साझा की जाएगी। उदाहरण के लिए 13 से 18 जुलाई के सप्ताह की योजना 12 जुलाई तक साझा की जाएगी और समय सारणी के विभिन्न हिस्सों की सूचना समय समय पर दी जाएगी। इस योजना में पर्याप्त पुनरावृत्ति के लिए दिन होंगे, जहां शिक्षक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन बच्चों को अधिक समय और सहयोग की आवश्यकता है वे उन बच्चों को सहयोग दें। शिक्षक उन बच्चों को अतिरिक्त अकादमिक कार्य दे सकते हैं जिनकी सीखने की गति अधिक है। सीखने की जरूरतों में अंतर को ध्यान में रखते हुए हम ग्रेड समूहों 1 व 2, 3 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग अध्ययन योजना बनाएंगे। राज्य ने टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है, जो माता पिता को अपने बच्चों को सिखाने में मदद करता है। हमें सुनिश्चित करना है कि सभी माता पिता टॉप पेरेंट ऐप डाउनलोड करें और इसका उपयोग हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करें। साथियों, आपने वीडियो देखा, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और यदि हम किसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो उस चैनल पर डलने वाली सामग्री तुरंत हमारे पास आ जाती है।